जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आप सभी का महाकाल भक्त रविंद्र मानकर मां बगलामुखी साधक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, दीपावली महापर्व पर आप लक्ष्मी पूजन के वक्त अपनी दुकान में या फिर आपके घर पर स्थापित करें मां बगलामुखी श्री यंत्र। यह मां बगलामुखी देवी का यंत्र है, गोल्ड प्लेटेड में आता है और इस गोल्ड प्लेटेड वाले यंत्र को विधि विधान पूजा अर्चना करके अगर आपने अगर गुरु दीक्षा ली है तो आपके पास में किसी भी पूजन की एक पद्धति होगी जो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। अगर आपके पास यह पद्धति नहीं है तो भी आप हमसे जानकारी लेकर किस प्रकार से बगलामुखी यंत्र की स्थापना करना है, कैसे पूजन अर्चन करके दुकान पे और अपने घर पे देव स्थान पे इसको स्थापित करना है। हाँ, बगलामुखी यंत्र के बारे में कई भ्रम फैले हुए हैं कि किसी को लगता है कि यह बगलामुखी माता जी का जो यंत्र है शत्रु का नाश करने वाला है, अर्थात इस यंत्र को रखने से पूजा आराधना करने से शत्रु मर जाते हैं। ऐसा नहीं है। जो हमारे शत्रु होते हैं, जो हमारे व्यापार में, जो हमारे स्वास्थ्य में और कई प्रकार से हमें प्रताड़ना देते रहते हैं, ऐसे शत्रुओं की बुद्धि स्तंभित होती है, हमारे शरीर से रोगों का नाश होता है, हमारे व्यापार में बाधा बन रहे शत्रुओं की बुद्धि मित्रता में परिवर्तित होती है और वे हमारे प्रति सद्भाव रख पाते हैं। अगर आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपके घर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर आपके बने वाले काम बिगड़ जाते हैं, अगर आपके जीवन में बार बार मुसीबतें आ रही हैं, अगर आपको नकारात्मक स्वप्न दिखते हैं, कई प्रकार की नकारात्मक एक्टिविटी आपके साथ होती रहती है, तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि बगलामुखी श्री यंत्र स्थापित करके माँ बगलामुखी माता जी की पूजा आराधना चालू कर दीजिए। बगलामुखी माता जी की पूजा आराधना दो प्रकार की होती है। पहला तो इस प्रकार की होती है कि एक तो गुरु के माध्यम से जो प्राप्त होती है, गुरु ने जैसा कहा वैसा ही कर सकते हो। अगर आपके गुरु का पिंड जागृत है, अर्थात अगर आपके गुरु की कुंडलनी शक्ति जागृत है, गुरु जो कहेगा वही आपको सुनना है। और अगर आप गुरु दीक्षा नहीं हुई और मनमानी तरीके से करते हो तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि किसी साधक से पहले मार्गदर्शन लें और उसके बाद आरम्भ करें। यह बगलामुखी श्री यंत्र शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि मूर्ति पूजा का जितना फल नहीं मिलता है उससे दुगना फल यंत्र पूजा का मिलता है। मंत्र ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जब हम किसी इष्ट का मंत्र जाप करते हैं, अर्थात मान लीजिए आप माँ बगलामुखी देवी का मंत्र जाप कर रहे हो बोल बोल के, तो आपके ऊपर साइड में बगलामुखी श्री यंत्र का निर्माण हो जाएगा, बगलामुखी यंत्र का निर्माण हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे दिव्य दरबार से अभिमंत्रित और सिद्ध माँ बगलामुखी देवी का श्री यंत्र आपको प्राप्त हो, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर दीपावली पे अगर आप माँ बगलामुखी देवी को अपने घर पे लेकर आ रहे हो, ये सोचिए कि आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं और इसके लिए आप सभी को बगलामुखी श्री यंत्र स्थापित करने के बाद आपको एक बुक लेके आना है, एक पूजा पद्धति की बुक लेके आना है और मैं आप सभी को बताऊँगा कि वो बुक कैसी होगी। ये एक इस कलर की बुक आती है, श्री बगलामुखी रहस्यम, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं फोटोज डाल दूंगा इसकी। बगलामुखी ये इस कलर की एक कवर लगा हुआ होता है इस बुक के ऊपर और ये जो बुक है दुर्गा पुस्तक भंडार इलाहाबाद से आती है और ये जो उस पुस्तक का नाम है मैं आपको बता देना चाहूंगा, श्री बगलामुखी रहस्य। ये बगलामुखी रहस्य बुक लेके आना है और ये पुस्तक जो है ये पुस्तक इलाहाबाद से प्रकाशित होती है और आप सभी इसी पुस्तक को लेकर अपने घर में बगलामुखी माँ की साधना करिएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मूर्ति पूजा से बढ़कर यंत्र पूजा का महत्व बताया गया है शास्त्रों और पुराणों में। आप सभी इस दीपावली पर आपके जीवन में चल रहे कष्टों के लिए, आपके जीवन में चल रही बाधाओं के लिए श्री बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें और जैसा कि रविंद्र आप सभी के बीच में बगलामुखी माता जी का दिव्य महिमा का गुणगान कर रहा है, जैसे कि आप किसी भी देवी का विनियोग करते हो, देवता का विनियोग करते हो, उसमें एक ऋषि का नाम आता है, तो रविंद्र को भी माँ बगलामुखी माता जी की जो कृपा आराधना प्राप्त हुई है इसका मूल केंद्र बिंदु, मूल ऋषि हमारे वाले
श्री सत्यनारायण गुरु महाराज जी हैं जो सिवनी में मानव कल्याण सेवा आश्रम से हैं। उन्होंने तीन तीन माह की समाधि ली है, आठ आठ दिनों की समाधि ली, जीवित समाधि ली है। और गुरुदेव जी का पिंड जागृत है, कुंडलिनी जागृत है, उनका आज्ञा चक्र जागृत है। वह दसु महाविद्या की साधक है। इस संसार में जितनी भी दैविक शक्तियाँ हैं, सभी शक्तियों को गुरुदेव जी ने प्राप्त किया है। अगर आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हो तो हमारा परिवार आप सभी के साथ है। धर्म प्रचार प्रसार मंच मानव कल्याण सेवा आश्रम सिवनी आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।